हाय ऑल, हाउ आर यू? सो जैसा कि रवि भाई ने कहा था कि हम जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे विद द सेलेक्टेड पीपल. सो हियर आई एम, माय नेम इज हिमांशु राठौर. आई एम फ्रॉम हिसार, हरियाणा. आई डिड माय बैचलर्स इन ऑफ टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुरथल, सोनीपत. I had secured 122 rank in Central Armed Police Forces Assistant Commandant examination. तो पहले हम बात करते हैं about the CAPF AC. What is CAPF? So Central Armed Police Forces is are the five police forces under the Ministry of Home Affairs. The forces are ITBP, BSF, SSB, CSF and CRPF. तो सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि सीएपीएफ के बारे में बहुत लोग नो ने नेगेटिव सुना होगा कि वहां कंडीशंस अच्छी नहीं है, रफ टेरेन है, खाने को नहीं देते, दाल ऐसी है और हजारों ऐसी बातें जो आपको नेगेटिवली डीमोटिवेट करती होंगी इस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए. तो मैं ये कहना चाहूंगा, एवरीथिंग इज रबिश. प्लीज डोंट लिसन टू एनीवन. इफ यू हैव द जील टू serve your country, to work for the forces, to fight the enemies of the country, this is an excellent opportunity for you. किसी की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है. जो सेल्फ मोटिवेशन है आपका कंट्री के लिए, that will itself motivate you to join the forces. Okay, so और इसको please job की तरह ना लें. It's a service to the country, it's a service to the nation, and वही लोग जो इसको ज्वाइन करेंगे उसका फॉर्म भरे. प्लीज ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड और डिजर्विंग बंदे हैं जो रह जाते हैं क्योंकि कुछ 25 से 30 40 लोग ज्वाइन नहीं करते एंड कंट्री लूजेस द ऑफिसर्स. बिकॉज बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स का आखिरी चांस होता है, एज यू ऑल नो 25 इज द अपर एज लिमिट फॉर द सीएपीएफ एसी एग्जाम. एंड प्लीज इसको फिर से बोलूंगा, इसको जॉब की तरह ना लें. इट्स अ सर्विस, इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस, प्योर एंड डेडिकेटेड सर्विस. ओके, अब हम बात करते हैं कि बहुत लोगों को यह भी मिथ होता है कि सिविल सर्विसेज वाले ही इसका प्रिपरेशन करते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. नॉन सिविल पीपल ऑल्सो कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. इनफैक्ट एनी वन कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. इट्स नॉट दैट कि जो सिविल्स की तैयारी कर रहा है वही इसकी तैयारी करेगा. बस थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपको अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी से जो बोलते हैं हम वो करनी पड़ेगी, एंड देन यू विल गो आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. पर्सनली आई नो मैनी पीपल जिन्होंने इसका एग्जाम दिया और क्लियर किया. ठीक है, तो ये दिमाग से बात निकाल देना कि यार सिविल्स वाले हैं और हम लोग इसकी तैयारी नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की. सिविल सर्विसेज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एसी का एग्जामिनेशन दो पार्ट्स में होता है, पेपर वन एंड पेपर टू. इट इज कंडक्टेड ऑन सिंगल डे. देन सेकंड स्टेज इज द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज योर फिजिकल एंड द मेडिकल. एंड द थर्ड स्टेज इज द इंटरव्यू एंड द मेरिट जो है वो काउंट होती है. 250 मार्क्स ऑफ पेपर वन, 200 मार्क्स ऑफ पेपर टू एंड 150 मार्क्स ऑफ पेपर इंटरव्यू पार्ट. सो पीईटी एंड मेडिकल आर द क्वालिफाइंग पार्ट, बट यू हैव टू गो थ्रू इट. इफ यू डोंट क्वालिफाई दैट यू आर आउट ऑफ द रेस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पेपर वन, दैट इज ऑफ 250 मार्क्स, 125 क्वेश्चंस ईच, 2 मार्क्स एंड 1/3 इज नेगेटिव, दैट इज 0.66. सो पेपर वन को अगर हम डिवाइड करना चाहें सेक्शंस में तो आप कोई भी साल का पेपर उठा के दे सकते हैं. कुछ रैंडम पैटर्न्स आया है जो यूपीएससी फॉलो करती है, तो 5 सेक्शंस 6 सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको. पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बेसिक साइंसेस, करंट अफेयर्स एंड इफ यू वॉन्ट दैट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड द डिफेंस रिलेटेड पार्ट. तो बहुत लोग कहते हैं सर आप अपनी स्ट्रेटेजी बताओ. मैं ये बोलना चाहूंगा हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, हर बंदा अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करे तो ज्यादा बेटर है. हाँ, आप रेफरेंस के लिए आपको कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो देन यू कैन फॉलो द, या फिर आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही देन यू कैन फॉलो द स्ट्रेटजी ऑफ अदर्स. बट
आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी का आप करें यार, हम ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने जा रहे हैं, तो इतना तो हम खुद कर ही सकते हैं कि खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाए। बट हाँ, अगर कोई गाइडेंस लेने में कोई हर्ज नहीं है, गाइडेंस के फेवर में मैं अभी हूँ, बट डोंट ब्लाइंडली और थॉरली कॉपी समवन स्ट्रेटेजी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद माइन, जो मैंने अपनी CAPF AC की जर्नी में किया। तो हिस्ट्री के लिए मैंने बेसिकली हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आई कवर्ड फ्रॉम द स्पेक्ट्रम पार्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय राजीव सीकरी। इट्स अ रेड कलर बुक, यू शुड रीड इट वेरी थॉरली फॉर अबाउट टू टू थ्री टाइम्स। इट शुड बी रेड बिफोर द एग्जाम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल गेट इन द पेपर विल बी कवर्ड फ्रॉम देम। देन यू कैन ऑल्सो रीड बिपिन चंद्रा NCERT, that is also very useful for modern India. Basically both are same, you can read any one of them. Okay, next is the ancient history. For ancient history you can read the R.S. Sharma book, ancient history, but it is very comprehensive. I found it very comprehensive book, so if you have time then only read it. Read ancient history from the 6th-7th standard also, it's also very helpful. मिडिवल इंडिया आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार एक ही दो क्वेश्चन आते हैं, बट आपको मिडिवल इंडिया पढ़नी पड़ेगी। दो सेक्शंस, द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल पीरियड, दीज टू सेक्शंस विल सर्व यू अबाउट 2 to 3 क्वेश्चंस ईच एंड एवरी ईयर। यू कैन टेक द एग्जाम एंड कंफर्म इट। सो फॉर दिस आइदर यू कैन रीड इट फ्रॉम द क्लास 8th-9th NCERT बुक्स, और यू कैन ऑल्सो फॉलो सतीश चंद्रा मिडिवल पीरियड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटी। पॉलिटी का एक ही रामबाण इलाज, जैसे हम बोलते हैं एम लक्ष्मीकांत, इसको ग्रंथ समझना और रिलीजियसली पढ़ना कम से कम 2 बार, तब जाके आपके सभी क्वेश्चंस, मतलब पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें से क्वेश्चन एटलीस्ट 90% सही होने चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव क्लियर्ड एग्जाम विल से दिस, दैट पॉलिटी वॉज वेरी थॉरली प्रिपेयर्ड। ओके, देन वी विल सी इकोनॉमिक्स पार्ट। इकोनॉमिक्स जनरली मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, माइक्रो एंड मैक्रो कम्स, NCERT विल सफिस। सो फॉर NCERT 11th एंड 12th, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यू कैन फॉलो दैट, प्लीज डू इट थॉरली, दीज टू बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर इकोनॉमिक्स देर इज द ज्योग्राफी पार्ट, ज्योग्राफी NCERT प्लस GC ले आओ, एंड NCERT मीन्स 6th to 12th NCERT ज्योग्राफी थॉरली। ओके, आफ्टर द ज्योग्राफी पार्ट देर इज द बेसिक साइंसेज पार्ट। बेसिक साइंसेज आई थिंक यू शुड रीड NCERT, इट्स NCERTs आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स, यू विल गेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द CAPF AC एग्जाम फ्रॉम द NCERTs। ट्राई रीडिंग दम फ्रॉम 6th or 7th टू टिल 10th स्टैंडर्ड। फोकस मोर ऑन बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री पार्ट इज लेस, इनफैक्ट वेरी लेस, समटाइम्स वी इवन डोंट गेट एनी क्वेश्चन फ्रॉम द केमिस्ट्री पार्ट। And if you want to suffice your knowledge, you can also read the Lucent. It's basically a compilation of all the NCERTs. So if you, for revision purposes, you can use the Lucent science part. In fact, a special book of Lucent science also comes. That one also you can read if you have time. After the basic sciences part, let's talk about current affairs. Current affairs are very important, about 15 to 20 questions. And in fact, most of the questions of each and every part till we have discussed are based on the current portion. So you need to read newspapers first of all, at least one newspaper per day, and the newspaper part will also help you in paper 2. So read the newspapers very carefully, write down the facts, and follow one magazine. You can follow Vision IAS magazine, either you can follow the Pratyogita Darpan or Chronicle IAS, whichever magazine you want you can follow. The current affairs of the type like person in news and prizes and factual type will also be covered. Okay, after the this you should also study defense related current affairs. For defense related current affairs, one smart strategy can be followed is you can read the GK Today defense related current affairs. That is very helpful, and I found many questions in 2016 and 17 coming from the that module. Okay,
this was all about paper one. I think we have covered each and every aspect. For individually also we'll make different videos by different experts, which they will tell that how you should study all the portions. Next we'll talk about paper two. Paper two is very important. It's of 200 marks. People generally take it lightly. So paper two ko bilkul bhi light nahi la le. 200 marks ka sawal hai. And jisne zyada paper two mein score kar diya, wo kai baar difference ban jata hai. So paper two mein agar hum baat kare to there are four essays that you have to write 80 marks, 20 marks each. Then there is the report writing 40 marks, and then there is argument for and against. After that there is a passage, a comprehension passage. There is a pre-essay of 15 marks and 25 marks grammar portion. So you have to practice and prepare thoroughly. One common strategy that I will tell you, that is read the newspaper. इसको ये मेरे लिए बहुत काम करा, पता नहीं आप लोगों के लिए करेगा या नहीं, बट मेरे लिए काम किया. एंड इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन read the newspaper leads editorials and write a summary according to yourself. Okay, write it on your words, apne words mein likh lijiye, then go through it again. If you are missing any point, write it separately. If any fact is there, write it separately and do it. So इस तरीके से तीन से चार चीजें कवर हो रही है. एक हमारी इंग्लिश पे काम हो रहा है, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं. दूसरा आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी पे काम है, बिकॉज वोकैबुलरी 10 मार्क्स की आई है इस बार, और हर साल वोकैबुलरी पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं. देन आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स का व्यू पॉइंट आपका बन रहा है. व्यू पॉइंट बनने से मार्क्स ज्यादा फेच होते हैं, यू नो हाउ टू राइट, तो वो चीज कवर हो रही है. तो ये सारी एडवांटेजेस मिलेंगी अगर आप ये फॉलो करते हैं. एंड एक बार एग्जाम से पहले इन सभी को रिवाइज कर लीजिए. सो दैट्स द वे टू गो थ्रू इट. After that, we will talk argument for and against. You have to write. It's like a debate, and then the report writing, the formats and all we'll discuss in a separate video. So for grammar part and comprehension, you have to do a lot of practice. You can follow books of English like the Plinth to Paramount by the Neetu Singh, or you can follow basic Renan Martin standard book. So that would be very helpful for the paper two. And ये तो थी हमारी paper one और two की strategy. And सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि coaching लेनी चाहिए sir, नहीं लेनी चाहिए. मैं बोलता हूँ coaching के without भी ये किया जा सकता है. It's not a big deal. You just need to focus. And moreover, आजकल इतना internet material available है कि coaching पे आप जाने की आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है अवेलेबल CAPF AC के लिए भी, बट CAPF AC एक एग्जाम ऐसा है जिसमें आप खुद से करेंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, एंड दीज वीडियोस दैट वी आर मेकिंग आर फॉर द नॉन कोचिंग पीपल, जिनको कोचिंग नहीं मिल पाती. सो दैट्स वन ऑफ आर मोटो. एंड सेकेंड मोटो इज ऑल्सो दैट जो पीपल स्पेशली डेडिकेटेड हैं, बट दे आर उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें मोटिवेशन नहीं है कि वो सिविल्स वालों से कम्पीट कर सकें. दैट इज ऑल्सो आर मोटो. सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको प्रिपेयर करें, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करें, एंड 6 to 8 मंथ्स में यू विल डेफिनेटली क्लियर इट. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.